बसमिलीम नहमदहूनू सला रसूल करीम अम्माबाद महतरम नाजरीन के राम हदीफ के अंदर बच्चों के नाम रखने के तल्लक़ से माँ बाप को ये तमबी की गई है कि वो हमेशा अपने बच्चों के अच्छे नाम रखें और ख़ास करके जो लड़के होते हैं लड़कों के लिए अल्लाह के नबी आतसम नेदीत के अंदर बैन फ़रमाया समाइल अम्बिया कि अपने बच्चों के नाम नबियों के नामों पर अम्बिया कराम के नामों पर रखो और क़्यामत के दिन चूँकि हर इंसान को उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा उसके आबाव अजदा के नाम के साथ पुकारा जाएगा इसके तल्लु सला के नबी ने फ़राया इन नयामत बसमायम वसमायबाकुम फ़ासिन आसमाकुम यह क्यामत के दिन तुमको तुम्हारे नामों के साथ तुम्हारे आबा अजदाद के नामों के साथ पुकारा जाएगा इसलिए अपने बच्चों के हमेशा अच्छे नाम रखो चुनाच आज की वीडियो में उन्हीं एमब के राम रही साम के नाम जो कुरान करीम के अंदर जिक्र किए गए हैं तकरीबन छब्बीस नबियों के नाम उनको मीनिंग के साथ आज की वीडियो में बयान किए जाएंगे लड़कों के नाम रखने के लिए वैसे तो नबियों के नाम जैसे सहाबा के नाम रखने में हमको माना की तरफ़ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए माना की तरफ तोज्जो नहीं देनी चाहिए लेकिन बहुत से लोग फिर भी माना पूछते हैं इसलिए मैंने नाम को माना के साथ बयान किया है माना भी उनके तलाश किए हैं तो इन शाला ये छब्बीस नाम माना के साथ बयान किए जाएंगे चुनाचे सबसे पहला नाम जो क़ुरान के अंदर आता है वो है आदम आदम ये सबसे पहले नबी जो हम सब के बाप हैं जो दुनिया के अंदर सबसे पहले आए हैं ये उनका नाम है आदम आदम इसके माना आते हैं गंदुमी रंग वाला मिट्टी से बना हुआ तो जो मटियाला रंग का होता है गंदुमी रंग का उसको आदम कहते हैं तो आदम नाम बहुत अच्छा है लग सकते हैं एक नाम कुरान के अंदर आया है इदरीस इदरीस इसके माना आते हैं उस्ताज टीचर जो उस्ताद होता है पढ़ाने वाला उसको कहते हैं इदरीस ये भी बहुत अच्छा नाम है एक नबी का नाम है नूह नूह इसके माना आते हैं तस्कीन देने वाला सुकून देने वाला और एक माना इसके आते हैं किसी फ़न को दोबारा ज़िंदा करना नूह नबी का नाम है तो बहुत बेहतर नाम है एक नाम है नबी का कुरान के अंदर हद हूद, हूद यह भी एक नबी का नाम गुजरा है हूद हूद के मान आते हैं तायब होकर हक की तरफ लौटने वाला बहुत अच्छा नाम है खुद भी हम रख सकते हैं एक नाम कुरान के अंदर नबी का है सालेह, सालेह इसके माना आते हैं नेक बहुत अच्छा नाम है माना भी बहुत अच्छे हैं एक नाम कुरान में नबी का जिक्र हुआ इब्राहिम, इब्राहिम इसके माना आते हैं खुशकिस्मत, काबिल और एक माना इसके आते हैं परदादा तो ये भी नबी का नाम बहुत अच्छा नाम है रख सकते हैं एक नाम गुजरा है कुरान के अंदर लूत लूत इसके आते हैं दिल पसंद इसी तरीके से किसी चीज़ की ख्वाहिश और रगबत रखना तो लूत नाम भी बहुत अच्छा है यह भी माना के अतबार से हम रख सकते हैं और नबी का नाम गुजरा है एक नबी का नाम गुज़रा है इसमाईल इसमाइल इसके आते हैं अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली यानी दुआ का कबूल होना यह इस्माल के आते हैं यह भी बहुत अच्छा नाम है नबी का नाम है एक नाम कुरान में नबी का आया है इसहाक इसहााक़ इसके आते हैं मुनकसरमिजाज इसी तरीके से खुशी हंसी तो इसहाक़ भी बहुत बेहतर है माना भी बहुत अच्छे हैं एक नाम कुरान के अंदर आया है याकूब याकूब इसके आते हैं पीछे आना इसी तरीके से एड लगाना तो याकूब भी बहुत अच्छा नाम है ये भी रख सकते हैं एक नाम आता है कुरान के अंदर यूसुफ़ यूसुफ़ के आते हैं नहायत हँसी नहायत खूबसूरत ये भी बहुत अच्छा नाम है माना भी बहुत अच्छे हैं एक नाम कुरान के अंदर जिक्र हुआ है नबी का अूब एूब इसके मान आते हैं रुजू करने वाला अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बहुत बेहतरीन नाम है बहुत बाबरकत नाम है एक नाम आता है शुएब ये भी कुरान के अंदर जिक्र हुआ है नबी का नाम है शुएब इसके मान आते हैं छोटी घाटी तो ये भी बहुत अच्छा नाम है ये भी रख सकते हैं एक नाम आता है मूसा मूसा इसके एक माना तो आते हैं उस तरह यानी बाल के मूडना का जो आला होता है उसको बोलते हैं और एक माना मूसा के आते हैं पानी से निकला हुआ तो ये नाम भी रख सकते हैं नबी का नाम है बाबरकत नाम है एक नाम क़ुरान के अंदर जिक्र हुआ है नबी का हारून हारून के माना आते हैं कासिद पासबान मुहाफ़िज सरदार ये भी बहुत बेहतर नाम है बाबरकत नाम है एक नाम कुरान में जिक्र हुआ है एक नबी का रुल्किफल इसके माना आते हैं ज़िम्मेदारी पूरा करने वाला हिस्से वाला ये बहुत अच्छा नाम है बहुत बाबरकत नाम है एक नाम गुजरा है एक नबी का दाऊद दाऊद इसके मना आते हैं अजीज़ महबूब इलाही बहुत बेहतर नाम है बहुत बाबरकत नाम है और एक नाम क़ुरान के अंदर गुजरा है सुलेमान का सुलेमान एक नबी गुजरे इनका माना आते हैं वसीला वास्ता दरिया बहुत अच्छा नाम है एक नाम कुरान के अंदर गुजरा है अलीसा यसा यसा इसके मनाते हैं फराख दिली और इसी तरीके से कुशादा गुंजाइश का रखना और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चचा साथ भाई का नाम गुजरा है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में जो नबी आए हैं वो ये हजरत यसा आए हैं तो बहुत ही बाबरकत नाम ये भी रख सकते हैं एक नाम है यूनुस यूनुस के मान आते हैं सुतून रुकन ये भी बहुत अच्छा नाम है एक नाम है ज़करिया ज़करिया इसके मना आते हैं भरा हुआ बर्तन तो जक्रिया भी बहुत अच्छा नाम है नबी का नाम है वो वह बाबरकत नाम गुजरा है एक नाम कुरान में नबी का गुज़रा है यहाया यहा इसके माना एक तो आते हैं रहमत के एक माना इसके आते हैं ज़िंदा होने वाला तो यहया भी बहुत अच्छा नाम है ये बहुत बाबरकत नाम है रख सकते हैं एक नाम कुरान के अंदर नबी का जिक्र हुआ है ईसा ईसा इसके एक माना तो आते हैं सरदार एक माना इसके आते हैं नजात दिलाने वाला और एक माना इसके आते हैं ऐसी सफ़ेदी जिसके ऊपर लाली हो तो ईसा नाम भी बहुत बाबरकत है ये भी रख सकते हैं एक नाम कुरान के अंदर नबी का जिक्र हुआ है उज़ैर उर इसके एक माना तो आते हैं ताउन करने वाला एक माना इसके आते हैं बंद खुदा तो उज़ेर भी बहुत अच्छा नाम है बहुत बाबरकत नाम है ये भी माना के अतबार से और नस्बत के अतबार से बहुत बेहतर है बहुत ही अच्छा नाम है और एक आखिरी नाम कुरान के अंदर जिक्र हुआ है महम्मद महम्मद सल व्म के नबी आखिरी नबी का नाम है ये भी कुरान के अंदर आया है महमद तो महम्मद नाम भी हम रख सकते हैं बहुत ही बाबरकत नाम है तो ये अम्बियाई के नाम के नाम है जो कुरान के अंदर छब्बीस नबियों का जिक्र हुआ है उनका नाम ये बयान किए गए हैं माना के साथ में अपने बच्चों के नाम बेहतर ये है कि हम नबियों के नामों पर रखें अगर इनके नामों पर हम नाम रखेंगे तो इन हमारी बच्चों बच्चों के अंदर नेक सिफात पैदा होंगी और बहुत ही बाबरकत नाम है इन शरकत से हमारे बच्चे बच्चों के अंदर बेहतरीन सिफात पैदा हो जाएंगी फ़क्त वल्म